बहुत बढ़िया। तू भी कितने छोड़े? जीरो। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे आप सब लोग? आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं और कान्हा रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। आज है कान्हा का मैथ्स का एग्जाम और उसका मैथ्स का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट। मैंने कल साइन लेस बोली है तुम्हारी जिम्मे की मदद। आसमान में उड़ा के ले जाए और क्या, साफ करेंगे कीचड़। 3 hours later। गाइस पता है, अभी मैंने काम करके मैं जैसे ही ऐसी बाहर आ रही थी तो गेट पे ना वो आए, वो जो मांगने वाले होते हैं ना। 3 बच्चे थे तो उसमें एक छोटी बच्ची थी, छोटी भी नहीं थी, ऐसी होगी 14-15 साल की होगी, हाइट छोटी थी। बट तो बोली कोई कपड़ा दे दो। मैंने सोचा चल ठीक है। अंदर से मेरे एक सूट था पुराना, वो मैंने निकाल के दे दिया। ठीक है, तो बोल रही नहीं बिना सिले हुए कपड़ा दो। अब मैंने उनकी मदद तो इस ने है, मतलब नियत से की कि चलो भाई इनको दे देती हूँ, है ना, पहन लेंगे, इनका काम आ जाएगा। पहले कुछ अले कपड़े पहने, ये पहन लेगी। पर देखो नया, मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा चाहिए इनको। कोई अपनी तरफ से कोई मदद भी करना चाहता है ना तो ये इनकी डिमांड अलग से होती। बोल रही पैसे दे दो, कुछ और कपड़े दे दो। इनका बहन हाथ जोड़ के, मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही दे सकती हूँ और तू जा। फिर पानी पिलाया, फिर बोल रही है ये दे दो वो दे, खाने की चीज़ें मांग रही। मैंने कहा इससे मैं कहाँ से लेके आऊँ भाई, मैं सुबह का टाइम होता नाश्ता बना रहता तो मैं दे भी देती तेरे को। तो आजकल ऐसा समय आ गया है, धर्म का कोई नाम है ही नहीं। मतलब आजकल कोई किसी को दया की दृष्टि से देख के कुछ दे भी देना तो सामने वाला ना डिमांड और करने लगता है, भाई ये दो वो दो। ऐसा नहीं होता, आजकल ये दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और जो उस लड़की ने सूट पहन रखा था ना वो एकदम नया था। हाँ लेकिन वो गंदा हो रखा था, लेकिन नया कपड़ा जैसा सिलवा के अपन लोग पहनते हैं ना हम लोग, वैसा था। मतलब समझ नहीं आ रहा ना आजकल के लोग कैसे हैं। हम लोग मदद भी करना चाहें तो उनके ऊपर से और डिमांड्स आ जाती हैं। क्या एग्जाम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नहीं मानता। आज कैसे नहीं छोड़ दिया भाई? सब आया था? हाँ? सब कर लिया? ओह माय गॉड, वाओ। खुशी को बताइए, शॉक्ड हो जाएगी। हाँ बता क्या हो गया साइकिल को? क्या हो? रुक जा, मेरे को सामने से आन देना। मैं देखो, रुक जा, मैंने ब्रेक छोड़ रखी थी, मैं बेस हो रहा। अच्छा हाँ, मैं कहाँ जाऊँ? पापा, हाँ पापा, पापा को बोलो, पापा को बोल। चल ठीक, आज एक सरप्राइज दे ले। पहली बार सुन रहे उसके मुंह से, तेला सरप्राइज है, मेरे लिए सरप्राइज था। बोल रहा है जीरो ही बोल रहा। पता नहीं क्या करके आया, क्या मालूम सही करके आया। छोड़ा कुछ गाइस, शाम के 5 बज गए हैं और आज बारिश को थोड़ा सा डर लग रहा है नीचे आने में। कभी आ रही कभी जा रही है, कभी आ रही कभी जा रही है, थोड़ी थोड़ी। और ये भी आ गए घर पे, ये रे आते ही काम पे लग गए, लैपटॉप लेके कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का। और कान्हा जी हमारे चले गए हैं एकेडमी, वो भी सोच रहा था जाऊं नहीं जाऊं क्योंकि बहुत बारीक बारीक ऐसे, मतलब ओस जैसे नहीं, वो फुहार जैसे नहीं आती वैसे। हाँ पेपर हो गया आज तो बोल रहा है, मैंने 80 नंबर का किया। कुछ पता नहीं है क्या करेंगे। बोल रहा है आज तो मैंने 80 नंबर का किया, फुल नंबर आएंगे मेरे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुरू उसने किया था तो तू खत्म करेगा। ए भैया जान दो, 3-3 आके तुम्हारा बोला, फटाफट चले यार तुम। 3-3 बैल आ रखे सामने हैं। कौन सी बाइक हो? दो दो लगे हैं उसमें साइलेंसर, इधर से उधर से।
निकाल ले कल के लिए, तो यही ले लो बड़ा। गाइस कुछ सामान लेने के लिए आए हैं इधर, खरीदारी करने के लिए आए हैं इधर, अभी जा रहे हैं थोड़ा आगे। और मैं रख दूँ रख दूँ। चलो गाइस अब कान्हा के लिए भी ले ले आए थे सामान, अब चल रहे हैं। शाम के टाइम होती है भीड़, सरदार जी लगे हैं पे कप्पे मारने पे। हाई सिक्योरिटी है तो स्मार्ट अंकल जी कहाँ से जा रहे हैं। छोटी सी ट्रक जा रही है, साउ ले जा रहे हैं भाई। बढ़िया।